जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत पाठ पुस्तक में प्रथम पाठ संस्कृत वर्ण, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है संस्कृत वर्ण। बच्चा आप इसमें चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे चीज़ों के नाम को सीख सकते हो। जैसे आप पहले पढ़िएगा अश्व, अश्व के ऊपर घोड़े का चित्र बना हुआ, तो अश्व का मतलब घोड़ा, आम्रम का मतलब आम, इक्षु का मतलब ईख, इष्टिका का मतलब ईंट, उल्लूकाह का मतलब उल्लू। ये सभी आप चित्रों के माध्यम से बहुत आसान तरीके से सीख सकते हो। तो पहला यहाँ पे दिया गया है पदानी बोधत, यानी संस्कृत शब्दों के आपको हिंदी अर्थ बताए गए हैं, आप उससे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है एतानी पदानी स्थानिनी भाषायाम लिखत, यहाँ पे जो संस्कृत शब्द लिखे गए हैं उसके आपको स्थानीय भाषा यानी हिंदी में इसके अर्थ लिख देने हैं। अश्व, अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व को हम लोग स्थानीय भाषा में घोड़ा बोलते हैं, तो लिख देंगे घोड़ा। उल्लूका, उल्लूका को हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? उल्लू बोलते हैं, उल्लू लिख देंगे। एड़का, एड़का को हम लोग स्थानीय भाषा में भेड़ बोलते हैं, भेड़ लिख देंगे। खगा, खगा को हम लोग स्थानीय भाषा में पक्षी बोलते हैं, पक्षी लिख देंगे। गजा, गजा को स्थानीय भाषा में हम लोग हाथी कहते हैं। जलधर, देखिए जल, जल का अर्थ होता है पानी और धर का मतलब होता है धारण करना, तो पानी को धारण करने वाला किस कौन होता है? बादल, तो बादल लिखेंगे। देखिए बच्चा, जलधर और जल ज ये दोनों अलग होते हैं। जब भी आपको जलधर पूछा जाए तो बादल, और जल ज जलज पूछा जाए तो उसका मतलब होता है कमल, जल में जन्म लेने वाला कमल और जल को धारण वाला जलधर। झस, झस को बोलते हैं हम लोग मछली। जैसे इसको यहाँ पे आप लोग याद रखने के लिए यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे किसी को पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो झस मार रहा हूँ यानी मछली मार रहा हूँ, तो आप लोग कई बार बोल भी देते हो, तो झस का मतलब होता है मछली। धेनु, धेनु बोलते हैं गौ को यानी गाय। बक, बक बोलते हैं बगुला को। भल्लुका, भल्लुका को भालू बोलते हैं। इस प्रकार आपको लिख लेने हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है चित्रानि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलियत, यहाँ पे आपको चित्र अपने पाठ्यपुस्तक से भिन्न मिलेंगे, चूँकि पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र ना देकर अलग प्रकार के चित्र हैं, मैंने क्लियर दिखने के लिए इन चित्रों को लगाया है। तो संगणक कहते हैं हम लोग कंप्यूटर को, तो ऐसे मिला हुआ है। इसी प्रकार दर्पण, दर्पण हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे शीशा को। पुष्पम, पुष्पम कहते हैं फूल को, तो फूल से मिला लेंगे। वैजनम, वैजनम बोलते हैं हम लोग बच्चा पंखा को, तो पंखा में सबसे ऊपर मिला देना है। पुस्तकम, पुस्तकम हम लोग कहते हैं किताब को, तो किताब से यहाँ मिला देना है। इस प्रकार आप अपने किताब में मिला लीजिए पेंसिल की सहायता से। अगला पृष्ठ में दे रखा है, फिर इसी प्रकार चित्र बने रखे हैं और फिर से हमें मिलाना है। तो गर्दभ, गर्दभ का मतलब होता है गधा। तीसरा नंबर में जो ये है गर्दभ से मिला लेंगे। आपके पाठ पुस्तक में भी तीसरे नंबर में ही मिलाना है। सिंह, सिंह बोलते हैं हम लोग बच्चा शेर को, तो शेर में मिला लीजिए यहाँ पे चौथे नंबर में। अश्व सबसे ऊपर है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा। मयूरा, मयूरा का मतलब होता है मोर, तो मोर से मिलाइए। हंस, हंस कहते हैं हंस को, तो इस प्रकार आपको मिला लेना है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है अधोदतानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उचितं पदं चित्वा चित्राणां सम्मुखे लिखत, यहाँ पे इस मंजुषा से शब्दों को चुनकर इन चित्रों के सामने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये किसका चित्र है? घड़ी को। घड़ी को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? घड़ी को हम लोग संस्कृत में घटिका कहते हैं, ये घटिका लिख दीजिए। यहाँ पे कलम का चित्र है, कलम को हम लोग संस्कृत में लेखनी कहते हैं, तो लेखनी लिख देंगे।
ये दीपक का चित्र है, दीपक यहाँ पे लिख देंगे दीपका। ये घड़ा का चित्र है, घड़ा को संस्कृत में घटा कहते हैं तो घटा लिख देंगे। ये फुटबॉल का चित्र है, फुटबॉल को संस्कृत में कंदुकम कहते हैं। और ये चम्मच है, चम्मच को संस्कृत में चमसा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिख लेना है। पांचवा प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितानां वर्णम आधृत्य संस्कृत पदानि रचयत। यहाँ पे जो वर्ण लिखे गए हैं उससे आपको संस्कृत शब्दों की रचना करनी है। तो माँ, माँ से कोई संस्कृत शब्द आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे माँ से मैंने लिखा मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। आप मयूर भी लिख सकते हो, ठीक है। माँ से मातृ भी लिख सकते हो। आ, आ से मैंने लिखा अश्व यानी घोड़ा। का से यहाँ लिखेंगे कमलम। आ, आ से आम्रम। गा, गा से गर्दभ या फिर गजा, गजा। ये आप लोग लिख लीजिए। छठा प्रश्न यहाँ दिया गया है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत। यहाँ चित्रों को देखकर इसके संस्कृत में नाम लिखने हैं। तो ये क्या है? घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं अश्व। ये क्या है? हाथी, हाथी को बोलते हैं गजा। तीसरे नंबर में जो चित्र है वो बंदर का है, बंदर को बोलते हैं वानरा। और ये चौथे नंबर में भालुक है, भल्लुका। पांचवें नंबर में कौआ है, कौआ को बोलते हैं काका। ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है। अंतिम प्रश्न दे रखा है, रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ पे हमें इन दोनों में से कोई ऐसे वर्ण चुनने हैं जिससे ये एक शब्द बन जाए, एक सार्थक शब्द बन जाए जिसका कोई अर्थ निकले। का ला मा, तो यहाँ पे एक टा लिखेंगे तो कटलम, कोई अर्थ नहीं है। का मा ला मा, कमलम यानी कमल, तो माँ भर देंगे। मर जा, मरजाची, कोई शब्द नहीं होता है, मरजारी होता है, बिल्ली को मरजारी बोलते हैं, बिड़ाल भी बोलते हैं। पोता, तो चपोता कोई शब्द नहीं होगा, का पोता यानी कबूतर हो जाएगा। कोकीला, हाँ कोकीला मतलब कबूतर, यहाँ पे कोयल होता है तो को की भर देंगे। यहाँ पे को तो है, यहाँ से की और ला, कोकीला। लुका, तो भल्लुका, भल्लुका यानी भालू। तो बच्चा इस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लिखे होंगे। बच्चों आपके पाठ पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 में यहाँ पे पशुओं के नाम और पंछियों के नाम संस्कृत में लिखे गए हैं, साथ ही आपको उसके हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं। बच्चा आपको जरूर से ज़रूर उसे पढ़ लेना है और आपको कमेंट्स में दो शब्दों के अर्थ बताना है। आपको बताना है कि सारिका किस पक्षी को कहते हैं, सारिका इस पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं। और आपको दूसरा बताना है अजा, अजा का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे द्वितीय पाठ का ऐसा के प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।